गोभी कटिंग करके फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ प्याज लेंगे, प्याज कटिंग कर लेंगे हम। दूसरी तरफ आलू छील लेंगे हम, आलू छील के फिर उसको कटिंग करके लग देंगे आलू पर भी। गोभी फ्राई हो गए तो निकाल दिया हमने, फिर उसके बाद तेल दोबारा डालेंगे, कम तेल हो गया, फिर जीरा डाल के जीरा डाल देंगे। फिर प्याज डाल देंगे, फिर भून लेंगे 5 मिनट तक। भुना गया तो नमक डाल देंगे हम, ताकि जल्दी से प्याज पूरा गल जाए। फिर मटर डाल देंगे हम, मटर गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं, फिर मटर भी जरूरी है डालना। लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला ये सब डाल देंगे। इसकी कसूरी मेथी बाद में थोड़ी देर बाद डाल देंगे इसमें। टमाटर डाल देंगे, मसाला भुना गया तो गोभी डाल देंगे, फिर आलू डाल देंगे। अच्छा तो ऐसे ही पकाएंगे टमाटर। पानी डाल देंगे, ताकि ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो कच्चापन होगा ना गोभी का वो भी सूख जाएगा।